हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा वायरस बनाने जा रहे हैं। आपने तो बहुत तरह का वायरस सुना ही होगा, और उस वायरस से बचने के लिए आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक छोटा सा वायरस बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लव वायरस, मतलब कि प्यार वाला वायरस। ठीक है, सब जो है वो वायरस से नफरत करते हैं, लेकिन ये जो वायरस है ये प्यार वाला वायरस है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ ये प्यार वाला वायरस जो है वो करता क्या है, और किस लिए हमने इसका नाम जो है वो लव वायरस रखा हुआ है। ठीक है तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको किसी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सिर्फ अपने सिस्टम पर आपको ओपन करना है नोटपैड, जो कि हर सिस्टम पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है नोटपैड जो है वो ओपन हो चुका है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हम जो कोडिंग लिख रहे हैं वो लाइन बाय लाइन क्या काम करता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा, जिससे आप अपने आप से कोई वायरस भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हर लाइन को ठीक से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर लाइन आपको समझाऊंगा। दोस्तों, आप इस लाइन को जरा गौर से देखिए, इस लाइन को यहाँ पर लिखा हुआ इको, इको एक कोड है। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल करते हो इसको एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, इको जो है वो एक कोड है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है हाय डू यू लव मी, ठीक है, ये एक मैसेज है जो कि ये एक स्क्रीन पर शो करेगा। डू यू लव मी सिर्फ एक मैसेज ही शो करेगा। आप हाय डू यू लव मी के बदले आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये ब्रैकेट में आएगा एंसर ओनली येस और नो। ठीक है, इसके हिसाब से भी इसको चेंज करके आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो अभी हम कुछ कंडीशन यहाँ पर को देने वाले हैं, जैसे कि हमने ऊपर बोला कि डू यू लव मी येस और नो, तो यहाँ पर दो कंडीशन आते हैं, तो उन्हीं दो कंडीशन के लिए हम कुछ इसको फंक्शन देंगे, मतलब कि अगर येस आएगा तो क्या होगा और नो आएगा तो क्या होगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, मतलब कि कौन से आंसर पर ये क्या काम करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इफ़ पहले वाली लाइन पर यह आ गया, अगर आंसर आता है येस तो ये क्या एग्जीक्यूट करवाएगा, अगर नो आएगा तो चलिए देखते हैं ये क्या एग्जीक्यूट करवाएगा, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर किसी के कमेंट का जल्दी आंसर दे देता हूँ। अगर कुछ देर होता है तो वही आधा या एक घंटे का देरी होता है, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए थोड़ा देर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर मैंने लिखा पहले लाइन पर अगर येस आता है तो गो टू लव, अगर नो आता है मैंने यहाँ पर लव लिख दिया है, यहाँ पर होगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर येस आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा अगर येस आता है तो गो टू लव, तो ये अगर येस आएगा तो ये लव पर जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लव लिख लिया है। तो लव के अंदर में क्या क्या आएगा, तो लव के अंदर में आप क्या क्या मैसेज शो करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कोड जो कि होता है इको, उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है मैसेज आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा आई लव यू टू। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैसेज लिख सकते हो। चलिए एक और लाइन यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं,
ध्यान रखिए मैसेज के पहले आपको इको लगाना होगा, ठीक है, नहीं तो वो जो मैसेज है वो शो नहीं करेगा। मीट यू सून, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, प्रोग्रामिंग जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोड, तो हमारा लॉप वाला जो फंक्शन था, अगर आंसर आता यस तो लॉप वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आंसर आता है नो, मतलब कि हेड, तो चलिए देखते हैं अभी हेड वाला में क्या क्या हम ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हेड वाला ऑप्शन है इसको ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर ही सब कुछ है, ठीक है। जैसे हमने लिखा हेड लॉप को, उसी तरह हमें लिखना होगा हेड को। तो यहाँ पर मैं कुछ, जब भी आंसर आएगा नो तो मैं कुछ मैसेज उसको देना चाहता हूँ, ठीक है। बट आई लव यू, ठीक है। जब भी आंसर आएगा नो तो यहाँ पर एक उसको एक मैसेज होगा, बट आई लव यू, ठीक है। तो चलिए एक और लाइन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं उसको डराने के लिए, ठीक है। यू आर हैग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये शो करेगा आप हैग हो गए हो। एक और मैसेज यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, योर पीसी और लैपटॉप, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, विल क्रैश इन 10 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर 10 सेकेंड का 10 सेकेंड देने वाला हूँ, जो कि 10 सेकेंड के अंदर जो है सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मतलब डरिए मत, सिस्टम क्रैश नहीं होगा, सिर्फ ये सिर्फ मैसेज शो करेगा कि सिस्टम क्रैश कर लिए, लेकिन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, सिस्टम जो है वो आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो सिर्फ एक शटडाउन हो जाएगा, इसके बावजूद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है कि योर पीसी विल क्रैश इन 10 सेकेंड। तो चलिए हम इसको टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम आउट, हमने 10 सेकेंड लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, यानी कि 10 सेकेंड। तो हमें शट डाउन करना होगा, ठीक है, हमें शट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम शट डाउन लिख देते हैं। इससे पहले हमें कुछ और लिखना होगा, माइनस एस। दोस्तों हमारा बस ये जो कोडिंग है ये एंड हो चुका है, ठीक है, बस इतना सा कोडिंग है। इसके बाद क्या करना होगा, इसको एक नेमिंग में सेव करना होगा। जब भी आप इसको सेव करोगे तो वहीं पर एक बात है जिसको ऐड करने से क्या होगा, ये जो कोडिंग है ये एक वायरस में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको आपको सेव करके बता देता हूँ। तो आपको जाना होगा फाइल में और सेव आज, या फिर सेव भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लव डॉट। ध्यान रखना होगा जो भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, नेम के बाद आपको देना होगा डॉट बैट, ये ध्यान रखिए डॉट बैट। अगर डॉट बैट आप नहीं दोगे तो ये वायरस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑल फाइल पर क्रिएट करना होगा और फिर सेव। सेव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो लॉप वाला वायरस है वो सेव हो चुका है, ठीक है। आपको इस वायरस को किसी के पेन ड्राइव की मदद से या फिर ईमेल की मदद से उसके सिस्टम पर भेजिए जिससे आप प्यार करते हो।
ठीक है दोस्तों, जब भी वो इसको ओपन करेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या शो करेगा। तो अभी चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होगा या फिर आप किसी तरह ओपन उसको कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये मैसेज शो कर रहा है, हाय डू यू लव मी, एंसर ओनली यस और नो। तो अगर वो यस एंसर टाइप करता है और एंटर पर क्लिक करता है तो यहाँ पर मैसेज आएगा, उसने यस प्रेस किया तो मैसेज आएगा आई लव यू टू, मीट यू सोन। अगर ठीक है, उसके बाद मैसेज आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर आप किसी तरह का की यहाँ पर प्रेस कर देते हो तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगर हम नो करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो नो करता है तो नो करने के बाद अगर जैसे ही वो एंटर दबाएगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा यू आर हैक्ड, ठीक है, योर पीसी विल क्रैश इन 10 सेकंड। उसके बाद टाइमिंग स्टार्ट होगा, टाइमिंग स्टार्ट होते ही पीसी जो है वो शटडाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको शटडाउन करते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पर नो प्रेस किया, अभी एंटर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट आई लव यू यू आर हैक्ड, योर पीसी विल क्रैश इन 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है यू आर अवॉइड विद साइन आउट क्लोज। अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा तो ये 1 मिनट के अंदर मेरा सिस्टम जो है क्लोज हो जाएगा। अगर आप वहाँ पर किसी तरह का भी की नहीं दबाओगे, ठीक है, यहाँ पर नो प्रेस करने के बाद आप अगर किसी तरह का की यहाँ पर नहीं दबाते हो तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो अपने आप शटडाउन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से अगर सिस्टम को ऑन करोगे तो वो ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, इस वायरस की वजह से आपके सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एक मजाक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वायरस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। और जो कोड मैंने लिखा था वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइए और चेक कीजिए, आपको ये कोड वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक नोटिफाई हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के।